यहाँ पंजाब सरकार पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कई तरह के सख्त कदम उठाती दिखाई दे रही है। वहीं अभी सरकार के कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनमें काम करने वाले कर्मचारी आए दिन सरकार की नाक के तले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला गुरदासपुर के जिला शिक्षा विभाग कैंडरी के दफ्तर के बाद देखने को मिला, जहां काम करने वाली महिला क्लर्क के ऊपर रिश्वत लेने के बावजूद काम ना करने के आरोप दर्जा चार के काम करने वाले सरकारी मुलाजम ने लगाए हैं। वही मुलाजम के पास सबूत के तौर पर उस महिला कर्मचारी की फोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें महिला कर्मचारी रिश्वत लेने की बात वह मुलाजम के साथ अभद्र व्यवहार करती सुनाई दे रही है। इसी रिकॉर्डिंग के जरिए दर्जा चार मुलाजम ने जिला शिक्षा अफसर के पास महिला क्लर्क की शिकायत की और इंसाफ की मांग कर रहा है। हेलो मैडम, सत श्रीकाल। हाँ सत श्रीकाल मैडम जी, वो किस तरह होया कि उसने? तो मैं तेन क्या तू रोज फोन करना वा, तेन हो जूगा, तेन दस दंगे। तो रोज फोन करने का की मतलब है भला? मैडम जी फोन जे नहीं तो करना तो भी दसो। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं मैडम जी। तो ठीक है ठीक है, नौकर वा कोई गल नहीं, तुम पैसे जेडे मेरे वापस दो, मैं नहीं केस करवाना, बस ठीक है ना। बस पैसे लैन इतना बैठे जो ताकि कोई ड्यूटी नहीं बनती। जुतियां मार दी मैडम जी, ये जेडे जेडे पैसे है ना, ये तुम हम अपनी ड्यूटी का प्रबंध करो, तुम अपना। बटाला से सुखबीर सोखी, जीवे पंजाब के लिए।